CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। मुंबई करों को एक बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। अक्टूबर महीने में यह नया ब्रिज शुरू होने जा रहा है। चेंबूर एहवार नगर टू बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के लिए यह ब्रिज बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का यह दृश्य है और इस ब्रिज का काम लगभग पूरा हो चुका है। 10 से 15 दिन के अंदर इस ब्रिज की शुरुआत हो जाएगी। आम आदमी या हर कोई इस ब्रिज से आवाजावन कर सकेगा। इस ब्रिज के लिए सबसे ज़्यादा जिसका फॉलोअप रहा है वो है कुर्ला विधानसभा के विधायक मंगेश कुढ़ालकर जी। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का उनका ये फॉलोअप रहा है और जल्द ही जनता के हाथों इस ब्रिज को सौंपा जाएगा। सर, मैं जानना चाहूँगा, यह ब्रिज बन तो गया काफ़ी अच्छा, कब तक इसकी शुरुआत होगी, जनता को कब सौंपा जाएगा? यह ब्रिज की जो मांग थी, इसे भी जनता की मांग थी और शुरू से इसका प्रस्ताव भी शासन के दरबार में था, लेकिन युति शासन आने के बाद 2015 में इसको मंजूरी मिली और 2016 में इसका प्रत्यक्ष काम शुरू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से भूमि पूजन BKC में हुआ और आज यह काम पूरा होने जा रहा है। बारिश की वजह से यह काम थोड़ा 1-1.5 महीना लेट हो गया है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि यह काम जो अच्छा हुआ है तो लास्ट में भी जो अभी काम जो बाकी है अपने रोड का, असफल्टिंग का, तो उसका काम भी अच्छी तरह से हो जाए। और बारिश की वजह से हमने भी वो काम रुका के रखा था। बारिश होने के बाद अभी जो धूप आई है तो उसमें अच्छी तरह से काम होके एक 15-20 दिन में यह ब्रिज लोगों के लिए हम खुला करेंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा कि यह ब्रिज बनने के लिए क्या क्या दिक्कत आई थी, क्योंकि इस ब्रिज की अगर माध्यम से देखा जाए तो रेलवे स्टेशन है चूनाभट्टी, उसके बाद फिर बिल्डिंग्स भी बहुत सारे हैं, सोसाइटी थी, झोपड़पट्टी था, किस तरह इसका सामना करना पड़ा है, लोगों को कहाँ किस तरह शिफ्टिंग करना पड़ा? यह ब्रिज बनने के लिए 3 साल लगा, लेकिन 3 सालों में बहुत सारे परमिशन, विशेष रूप से रेलवे प्राधिकरण और मिठी नदी प्राधिकरण, ये दोनों के परमिशन के कुछ बहुत बड़े अड़सर थे, गर्डर के कुछ प्रोग्राम थे और इसीलिए ब्रिज का थोड़ा काम लेट हो गया। लेकिन यह काम जो लेट हुआ ये गुणवत्तापूर्वक हमने करके दिखाया है इस काम को और बहुत ही अच्छा। अभी 1.6 किलोमीटर का यह ब्रिज है और सायन या कुर्ला या घाटकोपर, इन सभी मतलब आज से आने वाले और वहाँ से CST से आने वाले सभी प्रवासियों को यह ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है BKC जाने के लिए। अच्छा, आप सभी नागरिकों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं नागरिकों से ये आह्वान करूँगा कि अभी कुर्ला में SLR है, बाद में साइन में आप जा रहे, लेकिन यहाँ से अगर आप ब्रिज से जाएंगे तो BKC में सिर्फ आप 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिज तो बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी डामर का पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। विधायक जी का कहना है कि और भी एक फेस इस पे डामरीकरण होना बाकी है, उसके बाद ही यह रोड को चालू किया जाएगा, इस ब्रिज को चालू किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जिस तरह भारी वर्षा हो रही है उसी कारण यह ब्रिज 1.5 से 2 महीना देरी से खुलने जा रहा है। जो आने जाने में जो दिक्कत हो रहा था उससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी और मुंबई के जो नागरिक है उन्हें उनके अंदर एक काफ़ी खुशी भी देखी जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में इस वक्त आचार संहिता भी लगा हुआ है, लेकिन इस ब्रिज का कोई ओपनिंग या रिबन काटने नहीं आएगा, क्योंकि आचार संहिता है, चुनावी दौर शुरू हो चुका है। मैं जानना चाहूँगा कि आप जनता के हाथों किस तरह से सौंपेंगे इसमें? हम मुख्य उद्देश्य हमारा ये है ब्रिज बनाना कि लोगों को अच्छी तरह से ट्रैफिक से मुक्त और जल्द से जल्द कम से कम डीजल में और कम से कम वक्त में पहुंचना, यह हमारा मकसद है। और किसी उद्घाटन के बिना हम यह ब्रिज खोलेंगे और लोकार्पण करेंगे इसका। जी हाँ, बिना उद्घाटन किए ही इस ब्रिज को जनता के हाथों सौंपा जाएगा। आम नागरिक, मुंबई कर इसी ब्रिज से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के लिए आवाजावन कर सकेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN News, मुंबई।